मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत माफिया और अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशानुसार ग्राम डेगदा में आदिवासियों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान बनाने वाले और बलात्कार के सह आरोपी अशरफी लाल कुशवाहा के मकान को बुलडोजर चलाकर जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर एसडीएम लोकेन्द्र सरल के मार्गदर्शन में तहसीलदार संजय जैन और कोतवाली टीआई सतीश कुमार दुबे के नेतृत्व में मौके पर पहुंची राजस्व व पुलिस विभाग की टीम के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को ढहाने की कार्यवाही की गई। तहसीलदार संजय जैन ने बताया कि गत 4 अक्टूबर को जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा को सुनील पुत्र पूरनमल आदिवासी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया था कि दबंग व्यक्ति अशरफी लाल कुशवाहा पुत्र रामविलास कुशवाहा निवासी डेगदा के द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर मकान का निर्माण कर लिया गया है। जांच में आवेदनकर्ताओं की भूमि पर मकान बनाकर अवैधानिक रूप से कब्जा करना पाया गया। वहीं अतिक्रमणकर्ता अशरफी लाल कुशवाहा महिला से बलात्कार के मामले में श्योपुर पुलिस के द्वारा सह आरोपी बनाया गया है। कोतवाली टीआई सतीश दुबे ने बताया कि आरोपी पर कोतवाली थाने में धारा 376, 324, 120 बी और धारा 325 SC/ST के तहत आरोपी बनाया गया है। बलात्कार की घटना के बाद आरोपी को अपने मकान में आश्रय देने और बलात्कार की घटना को अपने उक्त अतिक्रमित मकान में कराए जाने के लिए सह आरोपी बनाया गया है। कार्रवाई के दौरान उप निरीक्षक अंशुल अरोरा पटवारी डेगदा राजस्व टीम व पुलिस बल उपस्थित थे। ये डेंगा गांव में आज एक मकान पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई किसके यहाँ पर की है और किस तरह से वहाँ के आवेद थी, क्या मामला है? आज श्योपुर तहसील में तहसीलदार द्वारा पुलिस बल के साथ मिलकर डेंगदा में अशरफी लाल कुशवाहा ने जो अवैध रूप से आदिवासी के घर पे कब्जा कर रखा था उसको तोड़ने की कार्रवाई की है और हम लोगों ने उनको जो अवैध रूप से जो मकान बना रखे थे उसको तहसीलदार द्वारा तोड़ा गया। क्या ये बताया जा रहा है कि एक आदिवासी महिला के साथ रेप का वो सह आरोपी है? इसकी कार्रवाई पुलिस साथ में कर रही है। हम लोगों के मामले जो अवैध रूप से जो उन्होंने घर बना लिया था उस पर हमने तोड़ने की कार्रवाई की।